राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम राजस्थान की स्पेशल गट्टे की सब्जी बनाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए शुरू करते हैं। दो प्याज लेंगे हम बड़े साइज़ के पीस के, टमाटर लेंगे दो बड़े साइज़ के पीस के, हरा धनिया और लहसुन की कली ली है हमने 8 से 10, और हरी मिर्च दो। लहसुन प्याज आप स्किप भी कर सकते हैं अगर ना खाते हों तो। 1.5 कप हम बेसन ले लेंगे, ये आप 1.5 कटोरी भी ले सकते हैं नाप के। हल्दी लेंगे थोड़ी सी, सेंधा नमक लिया है हमने, सेंधा नमक यूज़ करते हैं, और ये लाल मिर्च, इनको मिक्स कर लेंगे। हम इसमें ऑयल डालेंगे 2 चम्मच, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन में ऑयल को, और इसमें पानी डालते डालते एक टाइट डो तैयार कर लेंगे हम, जैसे हम अपना पूड़ी वगैरह के लिए बनाते हैं डो, उस तरह से। ये देखिए हमारा डो तैयार है, काफ़ी टाइट है। हाथ पे अपने पे ऑयल लगाएंगे और इसमें से गट्टे बनाएंगे, लोई तोड़ेंगे जैसे हम रोटी के लिए तोड़ते हैं, और इसको लंबा कर लेंगे। ये देखिए हमने पानी गर्म होने पहले रख दिया था, पानी गर्म हो चुका है। इसमें ऑयल डालेंगे और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अपने गट्टे इसमें छोड़ देंगे, एक एक करके सारे गट्टे डाल देंगे हम, और इनको हम पकने देंगे, पानी उबलने देंगे। तेज गैस पे हम आराम से इसे बना सकते हैं। ये देखिए हमारे गट्टे ऊपर आने लगे हैं, यानी कि ये पकने लगे हैं। आप जब गट्टे डालते हैं तो बर्तन में वो नीचे जाते हैं, और जब ये पकने लगेंगे तो ये अपने आप ऊपर आने लगेंगे धीरे धीरे तैरते हुए। तो अब ये काफ़ी पक चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे अपनी प्लेट में। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। इनको हम निकाल लेंगे सबको, और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपनी कढ़ाई ले लेंगे, और कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे 2 चम्मच। हमने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी तेल ले यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। जीरा डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच, लहसुन डालेंगे अपना जो हमने कुचल के रखा था, हरी मिर्च डाल देंगे, और इसको अच्छे से भून लेंगे। लहसुन प्याज को आप स्किप कर सकते हैं अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो, और अगर खाते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, आप डाल के देखिएगा। इनको अच्छे से भुनने देते हैं। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे हम अपनी, ये जो हमने प्याज पीस के रखी थी इसको हम इसमें भून लेंगे। तब तक ये भुनती है हम अपने गट्टों को देख लेते हैं। अपने गट्टों की हम कटिंग कर लेंगे, देखिए कितने आराम से कट रहे हैं, ये काफ़ी सॉफ्ट हैं। इतने गट्टों से आप 3 से 4 कटोरी आराम से सब्जी बना सकते हैं। अपनी 4 कटोरी सब्जी आराम से तैयार हो जाएगी। हमारी प्याज भुन गई है, हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, और इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, को मिक्स कर देंगे और इसको भुनने देते हैं। मीडियम फ्लेम पे भुनने देंगे हम। अभी हमारा अच्छे से भुन जाएगा, देखिए हमारा भुन गया है ये काफ़ी अच्छे से। इसमें हम मलाई ऐड कर देंगे, हमने 2-3 चम्मच मलाई ली है दूध की, फ्रेश ले लीजिए या फ्रिज में रखी हुई ले लीजिए, या अमूल की जो आती है वो ले सकते हैं आप, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर इसको भूनेंगे, इसमें हमने गरम मसाला ऐड किया है 1/2 चम्मच, और छोटी चम्मच काली मिर्च और खटाई
सूखा आमचूर पाउडर, इनको भी हम डाल के अच्छे से भून लेते हैं। अब इसको हमारा मसाला भुन गया है, इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, 2 से 2.5 कप पानी ऐड करेंगे जो हमने नाप के लिया था बेसन का, और आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितना आपको सब्जी में पतली चाहिए, तरी ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे थोड़ी ये गाढ़ी चाहिए तो ये अच्छा लगता है। इसको बॉयल होने देंगे, बॉयल होने लगे हमारी सब्जी, इसमें हम अपने गट्टे ऐड कर देंगे। देखिए हमारे गट्टे ऐड हो गए हैं, इसको अब हम थोड़ी देर पकने देते हैं। पाँच से छः मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये पक चुकी है, इसमें धनिया ऐड करेंगे अपना, और सब्जी हमारी रेडी है, इसको सर्व कर लेंगे बाउल में। ये देखिए कितनी टेस्टी सब्जी बनी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।